आईक्यू से रिलेटेड यूपी टेट, सुपर टेट और सभी प्रकार के टेट में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जैसे जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू कितना होता है और बच्चे की बुद्धिलब्ध 90 से 110 के मध्य है तब वह किस श्रेणी में आएगा। इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कौन सा बालक किस श्रेणी में आना चाहिए। चलिए एक लिस्ट दिखाते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, यह है टर्माइन के अनुसार बुद्धिलब्ध का वर्गीकरण। टर्माइन ने बुद्धिलब्ध का वर्गीकरण किया था। इन्होंने बताया कि अगर किसी बालक की बुद्धिलब्धि, आईक्यू जिसे हम बोलते हैं, 130 से अधिक है तब वह प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आएगा। अगर 121 से 130 बुद्धिलब्धि है तब वह प्रखर बुद्धि की श्रेणी में आएगा, और 111 से 120 के मध्य आईक्यू किसी बालक की है तब वह तीव्र बुद्धि की श्रेणी में आएगा, और 91 से 110 है तब वह सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आएगा, और 81 से 90 आईक्यू है तब वह मंद बुद्धि की श्रेणी में आएगा, और 71 से 80 के बीच किसी बालक की बुद्धिलब्धि है तब वह अल्प बुद्धि की श्रेणी में आएगा, और 71 से अगर कम है तब वह जड़ बुद्धि की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपको लिस्ट में दिया गया है इससे अगर याद कर लेते हैं तब आप एक नंबर अपना तैयार कर लेते हैं। अब चलिए इससे संबंधित जो प्रश्न बनता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न बनता है कि जैसे जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू कितना होता है या बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो जो जड़ बुद्धि वाले बालक है उनका आईक्यू 71 से कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है तब वह किस श्रेणी में आएगा। तब वह सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आएगा। देखिए, ये दोनों प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हें तैयार करना जरूरी है। जो लिस्ट हमने दिखाया इसे आप एक दो बार देख लीजिए, तैयार कर लीजिए, ताकि बुद्धिलब्ध से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आपका कभी गलत ना हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।